कुरुक्षेत्र की प्रसिद्ध सरस्वती मेडिसिन एजेंसीज द्वारा स्वर्गीय सुमेर चंद अग्रवाल जी की पुण्य स्मृति में स्थानीय अग्रवाल धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल से आई टीम में शामिल डॉक्टर रीटा व अन्य सदस्यों ने रक्तदाताओं की हौसला अफजाई करते हुए रक्त एकत्रित किया। शिविर के आयोजकों वेद भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, अभिषेक अग्रवाल, अमित अग्रवाल, कपिल किशोर, पुनीत अग्रवाल, भूपेश अग्रवाल, गौरव अग्रवाल ने बताया कि उनके परिवार द्वारा ये 6वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें 51 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। उन्होंने सभी रक्तदाताओं की हौसला अफजाई की और सभी से अपील की कि सभी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह बाद रक्तदान अवश्य करें, क्योंकि उनके द्वारा किया गया रक्तदान असंख्य लोगों को नया जीवन प्रदान कर सकता है। शिविर में श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत सभा के प्रधान चंद्रभान गुप्ता ने भी रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर सभा के सचिव राम कुमार गोयल, हरियाणा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सचिव अशोक सिंगला, नरेश गोयल, अग्रवाल शिक्षा सम्मान योजना के प्रधान विनिक गुप्ता, राजेश सिंगला, खरैतीलाल सिंगला, खेमचंद सिंगला आदि ने भी विशेष रूप से भाग लिया। आज हम अपने पूजनीय दादाजी स्वर्गीय श्री सुमेरचंद अग्रवाल जी की पुण्यतिथि पर, जो कि उनकी 11वीं पुण्यतिथि है, उसके उपलक्ष्य में हमारा पूरा परिवार मिलकर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है हमने। ये हमारा 6ठा ब्लड डोनेशन कैंप है, जिसमें हम लोग सभी के सभी परिवार वाले मिलकर ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। इससे पहले भी हमने 3-4 मेडिकल कैंप लगाए हैं, जिनमें अलग अलग अस्पतालों की टीम से सभी लोग हमें सहयोग करते हैं। इस बार हमने ब्लड डोनेशन के लिए कल्पना चावला कॉलेज और आपका करनाल है, वहाँ से टीम ने, डॉक्टर्स की टीम इनवाइटेड थी और उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे यहाँ सहयोग दिया है। इस ब्लड डोनेशन कैंप का मेन पर्पस यही है कि हम इस भी जितने भी गरीब और असहाय लोग हैं, उन सबको हम खून का दान कर सकें। ये सारा खून इकट्ठा होकर LNJP हॉस्पिटल के अंदर जाता है, जहाँ पर ये गरीब लोगों को फ्री डोनेट किया जाता है, उनके लिए कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है। और इस ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से एक हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि किसी का कोई, किसी की पुण्यतिथि है या किसी के जन्मदिवस है, उस पर हम लोग पैसा खराब ना करके समाज की सेवा के लिए इस तरह के ब्लड डोनेशन कैंप हमें ऑर्गेनाइज करने चाहिए। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने कोविड के चलते से हम इस कैंप को आयोजन नहीं कर सके, तो इसलिए आज हमारे यहाँ पर लगभग 51 यूनिट अब तक इकट्ठे हो चुके हैं और अभी कैंप का आयोजन चल रहा है। हमें उम्मीद है कि 10-20 यूनिट और इकट्ठे हो सकते हैं। तो आगे भी मैं अपने पूरे परिवार की ओर से LNJP टीम की का धन्यवाद करता हूँ, कल्पना चावला का धन्यवाद करता हूँ, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर भी हम मिलजुल कर भाग लेते रहेंगे और इसी तरीके से ब्लड डोनेट करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कपिल किशोर करनाल से। आज का ये हमारा ब्लड डोनेशन कैंप हमारे दादाजी श्री सुमेर चंद अग्रवाल जी की याद में कुरुक्षेत्र की अग्रवाल धर्मशाला में लगाया जा रहा है। भाइयों, हमारे ये ब्लड डोनेशन कैंप हम स्पेशली थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए लगाते हैं। थैलेसीमिया वो बीमारी होती है जिनमें छोटे छोटे बच्चों का खून नहीं बनता, हर 20-25 दिन बाद इन बच्चों को खून की आवश्यकता पड़ती है, और जो ब्लड आप और हम डोनेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ उसी पर इन बच्चों की ज़िंदगी निर्भर करती है। तो हम सभी का ये सामाजिक कर्तव्य बनता है कि हम साल में 3 या 4 बार ब्लड अवश्य डोनेट करें, ताकि हमारे आसपास जो भी बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हैं और जो दूसरे मरीज भी हैं, किसी को भी हमारे शहर में ब्लड की कमी ना हो। हमारे कैंप्स का यह सारा ब्लड सरकारी अस्पतालों में जाता है और जो भी मरीज वहाँ दाखिल होता है उसे बिल्कुल फ्री में ब्लड मिलता है। तो हम सभी का कर्तव्य बनता है साल में 3 या 4 बार ब्लड अवश्य डोनेट करें। और थैलेसीमिया का हमारी मेडिकल साइंस में अब तक कोई भी इलाज संभव नहीं हो पाया है। इससे बचने के 2 ही रास्ते होते हैं, एक तो शादी से पहले, जैसे कि हम लड़का और लड़की की कुंडली मिलाते हैं, वो मिलाओ ना मिलाओ, लेकिन ब्लड टेस्ट दोनों को जरूर होना चाहिए, ताकि आने वाले बच्चे को इस भयानक बीमारी से बचाया जा सके। और जो प्रेगनेंसी के दौरान भी इसका एक टेस्ट होता है, डॉक्टर की सलाह से वो भी अवश्य कराना चाहिए। और हमारे समाज में ब्लड डोनेशन को लेकर बहुत सी भ्रांतियाँ हैं कि ब्लड देने से कमजोरी आ जाती है, तो उसका जवाब ये है, आज मैंने खुद 68वीं बार ब्लड डोनेट किया है। अगर खून देने से कमजोरी आती तो हम ब्लड अपना खुद क्यों डोनेट करते। ब्लड देने से सबसे पहले फ़ायदा तो ब्लड डोनर को होता है, उसके बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियां, जैसे कि उसका बीपी नहीं बढ़ता, ब्रेन हेमरेज नहीं होता, पैरालिसिस नहीं होता, हार्ट अटैक नहीं होता, और कैंसर भी मैंने सुना है, अभी डॉक्टर बोलते हैं भी कैंसर भी नहीं होता। इतनी बड़ी बड़ी बीमारी से खुद बचाव होता है उसका। और एक बार जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो वो 3 मरीजों को चढ़ता है। तो जब इतने मतलब फायदे हैं ब्लड डोनेशन के, तो सभी को ब्लड जरूर डोनेट करना चाहिए। धन्यवाद।